प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समृद्ध बनाने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत के रूप में महत्वपूर्ण अभियान प्रारंभ किया है। आज की वैश्विक परिस्थितियों में कई देश चीन से निकलकर भारत में अपना कारोबार शिफ्ट करना चाहते हैं, साथ ही देश से एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। यह इंदौर के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। इंदौर की भौगोलिक स्थितियां, आवागमन के साधन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जल्द शुरू होने वाला डायरेक्ट इंटरनेशनल कार्गो, IIT और IIM समेत कई उच्च शिक्षा संस्थान और अच्छे मौसम के कारण ये निवेश का सर्वोत्तम विकल्प हो सकता है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हमें आपदा को अवसर में बदलने का मंत्र दिया है, अतः कोरोना के इस कठिन समय में हमें देशी एवं विदेशी कंपनियों को इंदौर में निवेश के लिए प्रेरित करना है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक और अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। अच्छा सुझाव है, अगर कहीं जैसे पीतम्बर में सेक्टर अलग है उसके लिए ग्रिड अलग बनना चाहिए, यहाँ भी अलग बनेगी और मुझे लगता है जो हेल्पडेस्क रहेगी उसको हम वेबसाइट पर भी इन्वेस्ट इंदौर करके एक साइट भी बना रहे हैं और वो शीघ्र ही लॉन्च होगी और उसके माध्यम से लोगों को मदद मिलेगी। क्षेत्र में करीब 5.5 इंडस्ट्री है, व्यापारियों को आरोप है कि वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है, सड़क की कमी है, बिजली की कमी, तो इस पर सरकार नगर निगम ने टेंडर बुलाए हैं उसके, और जो सड़क बननी है उसमें से कुछ सड़कें बनी, कुछ बाकी भी है। हम कुछ दिन पहले देखने भी गए थे और मुझे लगता है नगर निगम टेंडर बुलाए, शीघ्र ही उसमें काम होगा। 10% अभी जो हम नया क्लस्टर जितने बना रहे हैं उसमें हमने दो प्रकार के मोड में बना रहे हैं। एक तो पूरा डेवलपमेंट अगर सरकार को करके देना है तो पूरा डेवलपमेंट करके देगी, और नहीं तो सरकार रॉ लैंड देगी और उनकी एक कमेटी बना के वो करे, क्योंकि कभी कभी ये भी आता है कि सरकारी प्रोसेस में समय ज़्यादा लगता है या कुछ समय ज़्यादा लगता है तो इंडस्ट्री वाले ये डिमांड करते हैं। तो हम ये भी एक मध्यप्रदेश सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि क्या हम रॉ लैंड लेके उनकी कमेटी बना के वही डेवलपमेंट करें, उसका प्लान नगर निगम, उसका प्लान सरकार तय करे लेकिन डेवलपमेंट वो करे, तो उस पार्लियामेंट में भी सरकार की सहमति बन रही, मुझे लगता है शीघ्र हो जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी सुझाव आया था कि जिस प्रकार वातावरण हमने देखा महाराष्ट्र में जो वातावरण हुआ है कलाकारों के साथ और एक्टर के साथ, उसको लेके भी यहाँ फिल्म सिटी बनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत हारमोनी है, हमारे प्रकार का किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बात आज आई थी और फिल्म सिटी वालों से भी बात चल रही है, मुझे लगता है उस पर भी इंदौर तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हो सकता है चूँकि इंदौर में IIM और IIT दोनों हैं, तो क्यों न इस प्रकार के टेक्निकल गाइडेंस को लेकर भी एक हब बनाया जा सकता है, ताकि यहाँ पर और अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। CII वालों ने भी कहा है कि हमारे कुछ सुझाव हैं कि किस प्रकार विदेशी इंडस्ट्रियों को हम यहाँ बुला सकते हैं, उसको लेकर भी उन्होंने सुझाव दिए। एक फूड प्रोसेसिंग को लेकर भी सुझाव अच्छा है कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग की यूनिट हो सकती है और एग्रीकल्चर बेस्ड भी इंडस्ट्रियाँ हो सकती है, ऐसे भी सुझाव आया। लॉजिस्टिक हब और वेयर हाउस का मैंने बताया कि जिस प्रकार यहाँ पर सेंट्रली लोकेटेड है तो उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत बन रही है। एक बात और आई थी कि स्किल लेबर को लेकर अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, स्किल लेबर को लेकर पूरे इंडस्ट्री में एक डिमांड रहती है, लेबर है लेकिन स्किल लेबर जो उनकी आवश्यकता है उसको लेकर एक जरूर बात आई कि यहाँ पर एक संस्थान होना चाहिए, उसको देख के भी हम बात करेंगे। IT पार्क हमने देखा है कि वहाँ पर है लेकिन IT पार्क 2 को लेकर भी हमने बात की है, और मुझे लगता है जो भौरका चौरा के पास में IT पार्क बने उसके साथ में एक प्लानिंग चल रही है IT पार्क 2 की, लेकिन उसमें और भी हम कुछ जोड़ना चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे IT के पार्क बने उस लेवल का ही वो बने, उसको लेकर भी बात चल रही है। पीतमपुर के पास में 140 हेक्टर का हर्बल क्लस्टर, उसको लेकर भी बात चल रही है और मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो गई। लैंड एक्विजिशन की बात चल रही है, उसको भी हम आगे ले जाएंगे और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा हर्बल सेंटर पीतमपुर बन सकता है। नॉलेज सेंटर डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए ताकि बहुत सारे यहाँ IIM IIT जैसे मैंने बताया बहुत सारे मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, टेक्निकल कॉलेज हैं, उसका फ़ायदा हमको मिल सके। कितनी बड़ी जहाँ चाहे बाहर से आ रहे हो, इंदौर में बाहर के हों या जिले के हों, सभी को बेड्स मिले, सभी का इलाज हो, उसके लिए जितना भी हम लोग अस्पतालों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, अर्ली डिस्चार्ज की हमने पॉलिसी बनाई जो यहीं बनी हुई है, मरीजों के हित के लिए हम लोगों ने रेट्स फ्रीज किए अलग अलग एक्टिविटी में कोविड की, ताकि मरीजों पे प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा बिलिंग ना कर सके, कुछ शिकायतें ऐसी मिली थी। जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हम लोग मरीजों को, उनके इलाज को लेकर, उनके बिल को लेकर, इसी प्रकार अस्पताल प्रबंधन को भी जो फैसिलिटेट कर सब कर रहे हैं हम लोग, रेगुलर मीटिंग्स ले रहे हैं उनकी, और कहीं अगर स्टाफ की कमी है, नर्सों की कमी है, तो नर्सिंग कॉलेजेस से हम लोगों ने मीटिंग लेकर के उनके लोगों को मोटिवेट किया है कि हम नर्सें उपलब्ध कराइए। सभी नर्सिंग कॉलेज किसी न किसी अस्पताल से संबंधित है,
तो जितना भी सुविधाएं हो सकती है, पर हाँ ये जरूर है इस समय क्योंकि पूरे वेस्टर्न पार्ट पे या इनफैक्ट मध्य प्रदेश में या पूरे देश में इस समय सर्ज आया हुआ है कोविड पेशेंट्स का, तो सभी जगह से पेशेंट ज़्यादा संख्या में निकल रहे हैं और अल्टीमेटली एक लिमिट के बाद सब लोग इंदौर लेके आते हैं, तो पेशेंट्स का प्रेशर इस समय इंदौर में बेड्स का जरूर है। क्या कारण है 1300 तक लग गया 312 मरीज आना, बहुत चिंता की बात है और बहुत चिंताजनक हालात इंदौर के हैं। देखिए इंदौर की जो क्षमता है हमारे उस हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम लोग इलाज कर रहे हैं इंदौर प्रॉपर की बात करेंगे तो अर्ली डिटेक्शन भी कारण है इसका, कि हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जो हम लोग उनमें सैंपलिंग करा रहे हैं वो अर्ली डिटेक्शन हो रहा है उसमें, और उसी कारण भी काफ़ी मरीज हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर रहे हैं जिसको कि होम आइसोलेशन में या कोविड केयर सेंटर में रख रहे हैं, सभी को उनमें अस्पताल भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्ली डिटेक्शन से मॉर्टेलिटी कम होती है इसलिए उस पर फोकस कर रहे हैं, और संख्या ज़्यादा आना पेशेंट्स की चिंता की बात नहीं रहती, अर्ली डिटेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है भले संख्या पेशेंट की ज़्यादा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।